दिस इज मी आसन। आज हम बात करेंगे कि इलस्ट्रेटर में ब्लैक एरो और वाइट एरो किस तरह से चीजों के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। हम एक फाइल ओपन कर रहे हैं, फाइल मेन्यू में से ओपन ब्लैक एरो वाइट एरो अंडरस्टैंड करने लगे हैं। मेरे पास में इस वक्त में दो आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्ट बोर्ड्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आप यूट्यूब पे अवेलेबल सीरीज ऑफ दिस कोर्स जो है वो देख सकते हैं। ब्लैक एरो वी इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप एक ग्रुप आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो जो भी चीज इस डॉटेड विंडो को टच करेगी इट्स जस्ट गेट सिलेक्ट, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो ऊपर पड़ा हुआ आर्टवर्क ही क्यों ना हो, तो इट्स सिलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, ये होल ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करता है। इसी तरह व्हाइट एरो अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो इट्स सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट एज वेल। क्लिक एंड ड्रैग अगर आप डॉटेड विंडो ही बनाएंगे टूल लेके तो ये भी पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेगा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, उसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड सेगमेंट कंट्रोल हैंडल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस टू जूम इन। ये कंट्रोल हैंडल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और सीसॉ की तरह आरी की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। आप एक कंट्रोल हैंडल को ड्रैग करेंगे तो दूसरा खुद बखुद जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन में सबसे कॉमन एक्शन अंडू होता है, कंट्रोल जी। मैं चाहता हूं कि एक टाइम में एक कंट्रोल हैंडल जो है वो इन्वॉल्व हो। फिंगर ऑन ऑल्ट, ऑल्ट की की प्रेस करेंगे कंट्रोल हैंडल पे क्लिक करने से पहले एंड देन ड्रैग। नाउ इट्स बिकम द कस्ट पॉइंट। कस्ट पॉइंट एंकर पॉइंट की वो टाइप है जिसमें एक कंट्रोल हैंडल एट अ टाइम मूव करता है या उसके पास होता ही एक कंट्रोल हैंडल। फिंगर ऑन ऑल्ट एंड क्लिक। फाइल मेन्यू, एक फाइल ओपन कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड एंकर पॉइंट सेगमेंट्स एंड पाथ। फाइल मेन्यू ओपन। यहां पे मेरे पास में तीन आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं। सबसे सिंपलेस्ट शेप जो है वो लाइन शेप है हमारे पास में। इफ आई कम विद द ब्लैक एरो तो ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट हो। अगर मैं व्हाइट एरो के साथ आके इस लाइन को क्लिक करता हूं तो इस लाइन के सेगमेंट्स और एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। एंकर पॉइंट इस लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, से एक एंकर पॉइंट स्टार्टिंग में है, एक एंकर पॉइंट एंड पे मौजूद है, और पाथ क्या कर रहा है इसको कनेक्ट किए हुए। ये जिस मर्जी एंगल पे चला जाए, जिस मर्जी डिस्टेंस पे चला जाए, जितना मर्जी पहले एंकर पॉइंट के करीब आ जाए, पाथ रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों एंकर पॉइंट्स को कनेक्ट रखने में। ये कनेक्ट हैं तो ये लाइन शेप को बनाए हुए हैं। अगर अकेला एक एंकर पॉइंट होगा तो हम इस लाइन को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह हमारे पास में कर्व पाथ मौजूद है। ब्लैक एरो से क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। व्हाइट एरो से अगर हम क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट्स और कंट्रोल हैंडल्स अपीयर होंगे। कंट्रोल हैंडल्स क्या हैं? सर्कल्स एट द एंड ऑफ दिस स्टिक, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, या तो ये पाथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या अपने से दूर रिपेल करते हैं, और हम बेंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से, कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं इन कंट्रोल हैंडल्स की मदद से। जो हमारे पास में क्लोज क्लोज पाथ होते हैं, जो हमारे पास में क्लोज पाथ होते हैं, इनके पास में कंट्रोल हैंडल्स भी मौजूद हैं, एंकर पॉइंट्स भी हैं और पाथ भी हैं। तीनों
तीनों चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एंकर पॉइंट्स को रीलोकेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है इन कर्व्स को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल हैंडल्स। अगर एट अ टाइम एक वैल्यू ऑफ द कंट्रोल हैंडल इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्रेस द ऑल्ट, तो ऑल्ट की को प्रेस किया जा सकता है, फिंगर ऑन ऑल्ट एंड, और कॉम्प्लेक्स शेप को इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। थैंक यू।